नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर किचन माय डिश। आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम और मेथी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे हमने लिया है मेथी 150 ग्राम और मशरूम लिया है 200 ग्राम। तो हमने मशरूम का छिलका ऊपर से उतार दिया और इसमें फॉर्क की सहायता से हम इस तरह से इसमें छेद कर लेंगे, या फिर टूथपिक हो तो टूथपिक से कर सकते हैं या चाकू से भी कर सकते हैं। इस तरह से करने से मशरूम में जो ग्रेवी इसके अंदर जाएगी, इससे टेस्ट अच्छा लगेगा खाने में। तो सभी मशरूम को इसी तरह से हम करके रख लेंगे। यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें डालें 1 तेज़पत्ता और इसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर और थोड़ा 1-2 मिर्च थी। तो हमने बहुत बारीक नहीं काटा है, बिल्कुल हल्की से उसको हमने दरदरा किया है। आप चाहे तो बहुत बारीक चाकू से भी काट कर डाल सकते हैं। और इन सब को हमें तब तक भूनना जब तक कि इसमें से तेल ना छूटने लगे। तो 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छे से ये भुनकर तैयार हो जाता है। देखिए साइड से यहाँ पे तेल भी दिख रहा है, छूटने लगा है। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और अच्छे से मिला देंगे और इसको नमक के साथ में भून लेंगे। अब यहाँ पे डालें 1/2 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इन्हें प्याज लहसुन के साथ में अच्छे से भून लेंगे। तो मसाला जितना अच्छा भूनेंगे सब्जी का टेस्ट उतना अच्छा बनेगा। अब दो से तीन मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, नहीं दिख रहा, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन टमाटर जो भी था सब कुछ अच्छे से भुन चुका है और साइड से खूब अच्छे से तेल छूटना शुरू हो गया है। तो ये देखिए ये जो हमारा प्याज और टमाटर है लहसुन के साथ में अच्छे से भुन चुका है और ये तेल अच्छे से छोड़ दिया है। तो यहाँ पे डालेंगे कुछ सूखे मसाले, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च और थोड़ा सा 1/4 छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर 1/3 छोटा चम्मच और थोड़ा सा धनिया साथ में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला और इन मसालों को खूब अच्छे से भून लें। मसालों को भूनने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालें। हमने थोड़ा सा पानी डाला था, थोड़ा सा और डाल देंगे ताकि मसाले जो है खूब अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे टोटल हमने 3 बड़े चम्मच पानी डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे हमने जो मशरूम को इस तरह से करके रखा था यहाँ डाल देंगे। हमें यहाँ काटे हमने कट नहीं किया है। अब मसालों के साथ इसे अच्छी भुनाई करते हैं। और गैस का फ्लेम लो करके इसे छोड़ दे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए मसालों के साथ मशरूम को हमने 4 से 5 मिनट भून लिए हैं। तो इसे हम थोड़ा सा और भून लेंगे। ढक्कन इसलिए ढका था कि ताकि मशरूम थोड़ा नरम हो जाए।
ये देखिए, तो ये मसाले वसाले सारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ मेथी। अब इसे खूब अच्छे से मिला दें। अब इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे, गैस का फ्लेम लो कर दें। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, मशरूम और जो हमारा मेथी पत्ता था वो दोनों मिलके पानी छोड़ दिए, तो इसी पानी में खूब अच्छे से ये हमारा जो मशरूम है सीज जाएगा। तो इसे अच्छे से चला लें और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए हल्का सा ये सीज भी चुका है हमारा मशरूम। मशरूम हम चाहे जितनी देर पका ले ओवर कुक नहीं होता है, तो इसलिए ये आप देख सकते हैं ये सीज चुका है, लेकिन अब कभी पूरा गलता नहीं है। तो यहाँ पे हम डालेंगे अब थोड़ा सा क्रीम और थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया, इन दोनों को डालकर अच्छे से इसको मिला देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम लो रखा है, तेज नहीं, क्योंकि हम जब क्रीम डालते हैं तो तेज आंच में नहीं डालते हैं। अब साथ में डालेंगे 2 से 3 पिंच गरम मसाला और इसको अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे लास्ट में कसूरी मेथी अच्छे से मसल कर और इसको भी मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था और साग के पानी और मशरूम के पानी से अच्छे से सीज चुका है ये हमारा मेथी और मशरूम की सब्जी। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि जब मेथी का सीजन होता है उस समय मशरूम का भी सीजन होता है, तो बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाती है मार्केट में। तो ये देखिए हमने 4 से 5 मिनट और चला लिए ढक्कन हटाने के बाद भी, गरम मसाला भी डाला हमने, क्रीम भी डाला और मेथी और धनिया पत्ता भी डाल दिए। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए हम आपको डिस्प्ले में दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप इस तरह से रेसिपी को बनाइए, खाइए और अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।